लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी प्रचार की संयुक्त रणनीति बनाएगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इसे लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की संयुक्त रैली दिल्ली में आयोजित करने की भी संभावना तलाशी जा रही है। राजधानी में भाजपा सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन के तहत मिली 4 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं होने के चलते कांग्रेस पार्टी का अभियान अभी गति नहीं पकड़ सका है। दिल्ली कांग्रेस की ओर से 3 सीटों पर एक एक उम्मीदवार का नाम तय करके पार्टी नेतृत्व को भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली के 3 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा हो जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस का अभियान भी जोर पकड़ लेगा। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बताया कि चुनाव इंडिया गठबंधन संयुक्त रूप से लड़ रहा है, इसीलिए चुनाव प्रचार में भी इसकी झलक देखने को मिलेगी। जहां भी पार्टियों के अपने प्रत्याशी हैं, वहां पर तो वो पूरा जोर लगाकर लड़ेंगे ही, लेकिन जहां गठबंधन की पार्टी का प्रत्याशी होगा वहां भी पूरा जोर लगाया जाएगा। दोनों पार्टियों के बड़े नेता साझी चुनाव रणनीति के लिए संपर्क में है और जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की रैली या आम सभा दिल्ली में आयोजित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो गया है। आपने पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने अभी तक राजधानी की 3 सीट चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दिल्ली में आप कांग्रेस गठबंधन की मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा पहले ही 7 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।